नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करती हूँ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है। आज हम यहाँ पर बात करने वाली हूँ बोर्ड रिजल्ट 2019 का। तमिलनाडु से अवेलेबल कर दिए जाएंगे 29 अप्रैल तक। अगर आप इन पे इंटरेस्ट है तो, और जो लोग कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे 10th क्लास का, SSLC 10th क्लास का, उन लोगों के लिए ये न्यूज़ मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से वीडियो को पूरा के पूरा देखिए, कहाँ से किस तरह से आप अपना रिजल्ट इजीली चेक कर सकते हैं, यहाँ से दिखाऊंगी और बोलूंगी भी। और इनके अलावा इस लिंक को डायरेक्ट लिंक करके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, जहाँ से आप अपना रिजल्ट ईजिली चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए। देखिए, पहले तो आप लोगों को विज़िट करना होगा तमिलनाडु बोर्ड रिजल्ट 2019 का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जो कि tnresult.nic.in। यहाँ पर विज़िट हो जाने के बाद आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जो कि TNBoard रिजल्ट 2019 करके दिखाई देगा। और वहाँ पर विज़िट हो जाने के बाद आप लोगों को मीन्स आपका बारे में इन डिटेल्स भरना होगा, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर अदरवाइज रोल नंबर डालना होता है। देने के बाद ही आपको गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। देन वहां से आप अपना रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले होगा और वहां से डायरेक्टली आप चाहे तो डाउनलोड एंड प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए कहाँ से किस तरह से करना है वो भी देख लीजिए। देखिए, ए लिंक जो है डायरेक्ट लिंक करके दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और ए छोड़ के भी बहुत सारे अवेलेबल वेबसाइट है जहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, वो लिंक भी इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट इजीली देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर विजिट हो जाने के बाद देखिए, यहाँ पर SSLC एग्ज़ाम रिजल्ट मंडे 29 अप्रैल 9:30 तक यहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर शो होगा इस टैब के अंदर। एंड यहाँ पर आके रिजल्ट 2019 रिजल्ट करके दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं HSE+2 मीन्स 12th क्लास का रिजल्ट कुछ दिन पहले डिक्लेयर कर दिए थे। यहाँ पर सेम सिमिलर प्रोसेस है जो कि आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ पर आके जब 10th क्लास का रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर, देन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के तुरंत ही और एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है एंड उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, गेट मार्क्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आप अपना रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले होगा एंड वहाँ से चाहे तो डाउनलोड एंड प्रिंट आउट भी। ये रहा एक साइड। दूसरा जो साइड है, यहाँ पर आके देखिए, ये भी लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पर आके सिंपली 10th क्लास जो ऑप्शन है, अदरवाइज 12th क्लास पे अवेलेबल होगा। अभी 10th तो अवेलेबल नहीं है, 29 पर ही अवेलेबल होगा। यहाँ पर आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, नया और एक पेज ओपन हो रहा है, जहाँ पर आपको सिंपली रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड योर नेम, ईमेल एड्रेस, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्राइटेरिया मांगेगा। उसके बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। करने के तुरंत ही आपके पास आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। सो ये रहा छोटा सा हेल्प हमारे इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इनके साथ साथ चाहे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट ऑप्शन पर बताइएगा। आप लोगों के हेल्प के लिए हमारा जो चैनल है लर्न एवरीवन 24 आवर ऑनलाइन रहता है। सो हैव अ गुड डे।